इलेक्शन कमीशन ने सिंध से सेनेट के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। सिंध की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। कागजात की सिक्योरिटी का अमल 18 और 19 मार्च तक होगा। मुल्क की मईशत उद्धार पर चल रही है। कर्जों की अदायगी के लिए IMF से मजीद कर्जे लेने पड़ रहे हैं। आज हमें मिस इन्फॉर्मेशन के चैलेंजेस का सामना है, हमें मिलकर काबू पाना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। और PIA ने मलाइशिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। मलाइशिया के लिए हफ्तावार 4 परवाजें चलाई जाएंगी। कुआलालंपुर के लिए 2 परवाजें इस्लामाबाद और 2 परवाजें लाहौर से चलाई जाएंगी। सदर मुमलिकत का दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के अजम का इरादा। दहशत गर्दों से जवानों के बहाए गए खून का खराज लेंगे। हमारे बहादुर भाई बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वादा करता हूं कि हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम और फौज एक साथ हैं, दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत के मौके पर सदर आसिफ जरदारी की गुफ्तगु। वजीरस्तान हमले में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद की नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर खारिजा और वजीर दाखिला की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, सीनियर फौजी अफसरान और शहदा के लवाहिकीन की भी शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली को इस्लामाबाद में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद कैप्टन अहमद बदर तरागंग के गांव टबन में फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में CO मंगला और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। कैप्टन अहमद बदर गुज़श्ता रोज़ वज़ीरिस्तान में चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद हो गए थे। शहीद कैप्टन अहमद बदर 5 बहनों के इकलौते और सबसे छोटे भाई थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी हमले की मजम्मत। हमले की खामोशी से मजम्मत नहीं करेंगे, जवाब देंगे। हमले का ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है, मोहसिन नकवी का वीडियो पैगाम। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर हमें एक होना पड़ेगा और शहदा के खिलाफ बयान देने वालों का आज दहशतगर्दों से रابطہ हो सकता है। हो सकता है यही लोग दहशतगर्दों को पनाह देते हों। एक सियासी जमात ने शहादतों का मजाक उड़ाया और उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर से तशबीह दी गई। उस जमात का अंजाम अच्छा नहीं होगा, वजीर दिफा की तनबीह। सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत, अमेरिका, UAE और यूरोप से चलाए जा रहे हैं। कनेक्शन यहाँ भी हैं। ये पार्टी अपनी शनाख्त खो चुकी है, ये बेनामी पार्टी है। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। कौमी असम्बली में इन्होंने गजा करारदाद की मुखालफत की। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शुहदा की कुर्बानियों को तजहीक का निशाना बनाया जा रहा है। एक सियासी जमात ने कल सोशल मीडिया पर तोहीन आमेज मुहिम चलाई। माजी में लसबेला वाक़े पर भी मुहिम चलाई गई। शुहदा के खिलाफ मुहिम और तजहीक नाकाबिले कबूल है। घिनौनी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, सियासी तनकीद करेंगे, मगर रेड लाइन्स क्रॉस ना करें। शिमाली वजीरस्तान में दहशतगर्द हमले में शुहदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। वजीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सैलाब मुतासरा तालिबे इल्म की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इकरामुल्ला का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबाल किया।
पढ़ लिख कर कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म की बदौलत आज आला स्कूल में तालीम हासिल कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि आप दोबारा वज़ीर आज़म बने। तालिबे इल्म का मुकालमा, आपको देखकर खुशी हुई। खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। आपकी तालीम के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तालीम ही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकती है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने इकरामुल्लाह को कलम और निसाबी सरगर्मियों में मदद के लिए अपनी जानिब से टैबलेट का तोहफा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में एक साल की तौसी दे दी। वज़ीर आज़म ने मुद्दत मुलाजमत में तौसी की एडवाइस सदर आसिफ जरदारी को इरसाल कर दी। सदर मुमलिकत एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की एडवाइस पर दस्तखत करेंगे। वफाकी वजीर अवैस लगारी का कलमदान तब्दील। वज़ीर आज़म ने रेलवे का कलमदान वापस लेकर पावर डिवीज़न की वजारत दे दी। मुसद्दिक मलिक से पावर डिवीज़न का इजाफी कलमदान वापस। मुसद्दिक मलिक अब वजीर पेट्रोलियम होंगे। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट इंतखाबात, उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। पंजाब में सेनेट की 12 नशस्तों पर 28 उम्मीदवार मैदान में। 7 जनरल नशस्तों पर 16 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। खवातीन की 2 नशस्तों पर 5, टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों पर 4, अकलियती नशस्त पर 3 उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशस्तों पर 42 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। 7 जनरल नशस्तों पर 25 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों पर 10, खवातीन की 2 नशस्तों पर 7 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। बलोचिस्तान में सेनेट की 11 नशस्तों के लिए 38 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। बलोचिस्तान में सेनेट की 7 जनरल नशस्तों पर 17 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों के लिए 13, खवातीन की 2 नशस्तों पर 8 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग 2 अप्रैल को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सेंट्रल जेल कोटलकपत आमद कैदी ख्वातीन के 7 रोज़ा इफ्तार किया। मरियम नवाज़ कैदी ख्वातीन को खुद समोसे पकौड़े फल और खाना पेश करती रहीं। वज़ीर आला पंजाब ने जेल के लॉन में पौधा लगाया, मजीद दरख्त लगाने की हिदायत भी की। मरियम नवाज़ ने वालिद नवाज शरीफ के मुकीद सेल का भी दौरा किया। वज़ीर आला जेल में गुजरे वक्त की यादें ताज़ा करते हुए आबदीदा हो गईं। वज़ीर आला पंजाब ने कोटलकपत जेल में मुनशियात के आदि अफराद की बहाली के लिए 20 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज़ की कैदियों से बातचीत, मसाइल दरियाफ्त किए, मसाइल और ज़रूरियात दरियाफ्त की गईं, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने रिहाई पाने वाले कैदियों में तहफ़ भी तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में कैदियों की सजा में 3 माह की कमी कर दी। 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। सेंट्रल जेल आते हुए खुद कैद में गुजारा वक्त याद कर रही थी। सजाए मौत की चक्की में बंद थी और कड़े वक्त का सामना किया। जेल में किसी ने बताया आपके वालिद की तबीयत खराब है और हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, वो आजमाइश का वक्त था। सवाल करती थी कि मैंने ऐसा क्या किया जो मैं जेल में हूँ। अडयाला जेल में कैंसर की मरीजा वालिदा से बात नहीं हो सकती थी। दुआ है निज़ाम अदल में बेहतरी आए और कोई बेगुनाह जेल ना पहुँचे। कैदियों को जेलों में हुनर सिखाकर अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का सेंट्रल जेल कोट लखपत में इफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब। रमज़ान में महंगाई का तूफान, आवाम परेशान। 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल, नाजायज़ मुनाफा खोर भी सरगर्म। लहसुन और अदरक 700, आलू 80, कचनार 600, करेले 480, भिंडी 320 रुपये किलो तक फरोख। सरकारी रेट लिस्ट नज़रअंदाज। हर शहर में दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर किए, कोई पूछने वाला नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ हैं, शहरियों का सवाल। हर एक चीज़ हवा के साथ बातें करता है। पूछ गछ वाला नहीं है कि आदमी पूछे या कोई टीम मुकर्रर करे, हुकूमत सरकारी। फ्रूट गरीब के लिए नहीं है, सिर्फ मालदार लोगों के लिए, सिर्फ असेंबली हाल वाले लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि हर एक चीज़ रमज़ान में डबल हो गया। इतना महंगाई हो गया है, प्याज 100 रुपया था, अभी 140 हो गए। क्या करें, महंगाई। वही छोटे प्याज है,
आलू 40 रुपए किलो था, अब आलू 60 रुपए किलो हो गया। गरीब आदमी तो कुछ भी नहीं खरीद सकते, ना सेब ना केला ना आम ना आलू, कुछ भी नहीं खरीद सकते। अमनोबान के हवाले से मुकम्मल प्लान बना लिया, जल्द काम शुरू होगा। मुल्क में रोजगार है ना कारोबार, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बानी पीटीआई की हुकूमत को हटाने के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान आया। 8.5 लाख खानदानों को बाइज्जत तरीके से रमजान पैकेज दिया जाएगा। लोगों को उनका हक दहलीज पर पहुंचाएंगे और तजलील नहीं करेंगे। विफाक के जिम्मे सूबे के बकाया जात की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म से बात हुई। बकाया जात सूबे के अवाम का हक है, विफाक को हक हमें देना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगु। चालीस साल तमाम तर जबर के बावजूद एमक्यूएम पाकिस्तान गरीब और महकूम की उम्मीद है। अब दुश्मन एमक्यूएम पाकिस्तान को कभी कमज़ोर और बिखरा हुआ नहीं देख सकेगा। एमक्यूएम ने अपनी शिनाख्त को अपनी आवाज़ बनाकर कौम का मुकदमा ऐवानों में पेश किया। हमने दलीलों के साथ मर्दुम शुमारी में मुकदमा लड़कर कराची की बड़ी आबादी को बाजियाब करवाया। एमक्यूएम के मुतालबे पर हुकूमत को मर्दुम शुमारी दोबारा करवानी पड़ी। मुत्तहिदा कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का एमक्यूएम पाकिस्तान के यौम तासीस पर तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत गंदम खरीदारी का अमल 20 मार्च से शुरू करेगी। 353 खरीदारी मराकज कायम किए जाएंगे। सूबे में 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने फीमन गंदम की कीमत 4000 रुपये मुकर्रर की है। आसिफा भुट्टो की पार्लिमानी सियासत में एंट्री, कागजात नामजदगी जमा करवा दी। आसिफा भुट्टो NA-207 में नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी की छोड़ी नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते के केसेस की कॉज लिस्ट मुलतवी कर दी। 19, 20 और 21 मार्च को समाप्त के लिए मुकर्रर केसेस डी लिस्ट। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाप्त के लिए मुकर्रर थे। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई का केस 21 मार्च को समाप्त के लिए मुकर्रर किया था। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्दे जुर्म के बाकी कार्रवाई शुरू होना थी। इलेक्शन कमीशन डी लिस्ट केसेस की नई कॉज लिस्ट जल्द जारी करेगा।